गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी शाम के बजे 4:30 और कुछ देर पहले आर्यन को छोड़ के आई हूँ और 7 बजे आज आर्यन को लेने जाना है क्योंकि आज आर्यन 2 शेड्यूल में खेलेगा, उसका 2 सेशन है आज। तो उसे लेने जाओ, उससे पहले डिनर की तैयारी कर लेते हैं और डिनर बनने से पहले एक कप चाय पी लेते हैं और आर्यन आके जो स्नैक्स खाएगा, मतलब बॉयल्ड एग एक्चुअली, तो वो भी कर लेते हैं। तो चलिए किचन में। एक्चुअली कल था वेज, तो आर्यन को उम्मीद था कि कल वेज था तो आज मम्मी कुछ ना कुछ नॉनवेज बनाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल का जो प्रिपरेशन था उसी के साथ आज लंच गया। जैक फ्रूट करी बनाई थी जो कि आर्यन नहीं खाता और थोड़ा पोस्तो था, पोस्तो के साथ आलू के साथ थोड़ा सा, मतलब आलू पोस्तो टाइप्स बनाई थी, थोड़ा सा कम ही था पोस्तो और दाल, तो ये सारी चीजों के साथ हुआ। तो शाम के टाइम में उसे अच्छा कुछ चाहिए, तो 2 पैकेट चिकन निकाली है ऑस्कर और माइलो के चिकन में से धो चुरा ली है, तो अभी इसे मैरिनेट करके थोड़ा सा ग्रिल बना दूंगी। उसे कड़ी इतना ज्यादा पसंद नहीं है, उसे थोड़ा सा ग्रिल बेक्ड चीजें बहुत पसंद है। ये कोई स्पेशल पीसेस नहीं है, जैसे कड़ी कट होता है ना, तो वही सारे हड्डियां वगैरह सब कुछ है, तो इसके साथ मैं इसे बनाऊंगी। और कोई स्पेशल चिकन, मतलब थाई पीस या तो ब्रेस्ट पीस या तो ऐसा होता है ना, तो वो सारी चीजें नहीं है। तो यहाँ मैं चॉप्ड गार्लिक एड करी हूँ, इसके साथ सोच रही हूँ कि थोड़ा सा आलू भी दे दूँ तो इसका टेस्ट अच्छा आता है, आलू के बाइट्स भी अगर इसके साथ आ जाता है ना तो अच्छा लगता है। कर्ट सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर, कुछ आलू काट के डाल दिया। अब इसे मिक्स करूंगी, पर उससे पहले कर्ट को फ्रिज में डाल देते हैं, अदरवाइज ये खराब हो जाएगा। इसे अभी अगर मिक्स कर दूंगी तो ये 2 घंटे तक ऐसे ही रहेगा, उसके बाद आर्यन आएगा, आने के बाद वो एक खा के फिर ट्यूशन क्लास जाएगा, फिर ट्यूशन क्लास से आने के बाद वो डिनर करेगा, तो जब वो ट्यूशन क्लास जाएगा तब मैं इसे बेकिंग, मतलब ओवन में चला लूंगी। इसका 1 घंटा क्लास रहता है 8:30 से 9:30 तक, तो 9:00 में ओवन में चला दूंगी, आने के बाद गर्मा गर्म खा पाएगा। इसके साथ रोटी या राइस क्या लेगा पता नहीं, ये एकदम से टाइट सूखा वाला ग्रिल नहीं होगा, ये थोड़ा सा जूसी रहेगा, तो इसके साथ राइस भी अगर चाहे तो ले सकता है और रोटी तो अच्छा लगेगा ही, तो अगर रोटी खाना चाहता है तो आटा गूंदा हुआ है, मैं रोटी बना दूंगी। स्पोर्ट्स में जो लोग होते हैं ना, तो बच्चे हो या बड़े, वो ना हेल्थ कॉन्शियस कहीं ना कहीं हो ही जाता है, नेचुरली हो जाता है। पराठा उसे बहुत पसंद है, पर पराठा पूरी ये सब नहीं खाना चाहता। मामा रोटी दो और घी को आग में मत जलाओ, मतलब कच्चा घी रोटी के ऊपर ऐसे ही ये कर दो। उसका कोच उसे गाइड करता है उसके खाने पीने के बारे में, तो वो सब मुझे आके बोलते हैं और बिल्कुल उस तरह से उसे खाना पीना है। कल सुबह 4 बजे मिथुन का फ्लाइट है, मिथुन आ रहे हैं। पहले बोला था कि फ्राइडे या तो सैटरडे आऊँगा, क्योंकि उनका काम जब तक नहीं होता तब तक तो आ नहीं पाएंगे, तो काम हो चुका है। इस बार जाना बिल्कुल वर्थ रहा, मतलब बैक टू बैक जो सारे काम को लेके गए थे ना, बैक टू बैक एवरी डे वो काम होता गया, कभी कभार थोड़ा सा डिले होता है ये, मतलब हो जाता है, तो इसके लिए वो टिकट परचेस नहीं करते रिटर्न का, तो रिटर्न टिकट परचेस कल किया था, कल जबकि काम हो चुका था तो कल किया था। तो बोल रहे थे कि क्या, मतलब मैंने मिथुन को बोला कि तो क्या खाओगे आने के बाद, तो बोल रहे कि वो जो लोटे माचे झूरी तुमने बनाए मैंने वीडियो में देखा, तो वो लोटे माचे झूरी मुझे खाना है। और जैक फ्रूट मैंने मंगवाई है, वो मिथुन को मैंने बोला था, तो मिथुन को जैक फ्रूट खाना है, तो ये 2 चीज मिथुन आने के बाद मिथुन को बना के देना पड़ेगा। उस दिन जब सकलेशपुरा से जैक फ्रूट लेके आई थी, वो तो एकदम से मतलब राइप हो गया, एकदम से जैसे जैक फ्रूट मीठा वाला, मतलब जो हम खाते हैं ना एज अ फ्रूट, तो वो बन गया था, तो वो हम खा नहीं पाए थे, तो इसलिए कल वो पैकेट में पूरा, मतलब कट करके वो लोग सेल करते हैं ना जैक फ्रूट, तो वो मंगवा ली थी, बहुत अच्छा बना था। यहाँ पे बस एक ही है मुर्गे का अंडा, ये सारे है डक एग, इसमें है सारे मुर्गे का हेन एग, डक एग, डक एग तो बहुत कॉमन वर्ड है ना, पर हेन एग इतना कॉमन नहीं है ना। वैसे ये एग का जो ट्रे है ना, ये बहुत अच्छा है, इसका ये बॉक्स हर घर में एक एक होना चाहिए, मेरे पास तो 2 है। एवरीडे एग अच्छा नहीं लगता, तो किसी किसी दिन नूडल खा लेता है, कभी कभार एग, मतलब एवरी ऑल्टरनेटिव डे वो एग ले लेता है, कभी कभार 2 दिन मुश्किल से उसे दे देती हूँ, क्योंकि एग खाना उसके लिए जरूरी है। कभी कभार थोड़ा सा पकौड़ा खाना चाहता है, कभी कभार सॉसेज थोड़ा सा फ्राई करके दूँ, मतलब
लाइट फ्राई करके दूं, वो खाना चाहता है, क्या करे बच्चा है। और ये है मेरी चाय बनाने के बाद, और पीने का टाइम नहीं मिला तो अभी पी लेंगे। और इसे अगर ढक के रखती हूँ ना तो काफी टाइम तक ये गर्म भी रहता है। हाय बेबीज, हाय, हेलो। देख रहा है फिर भी कोई मूवमेंट नहीं, उल्ली उल्ली कुछ अगर बोलो तो मूवमेंट बस इसका दिखाई देता है और एक्टिविटी इसका है। ओ मॉम मॉम, जब मेरा गॉलस्टोन ऑपरेशन हुआ था तो उस टाइम में बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या खाना मना है, क्या पीना मना है, और क्या मतलब मैं फील कर रही हूँ। तो इतना जल्दी मेरे लिए बोलना तो बहुत मुश्किल था, पर आज 2-2.5 साल बाद मैं आपको बोल सकती हूँ कि एक्चुअली क्या हो रहा है। लोग हमेशा बोलते हैं ना कि गॉलस्टोन ऑपरेशन के बाद आप ये खा नहीं पाओगे, वो खा नहीं पाओगे, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं क्या बोलूँ, आप मेरे व्लॉग में ही देखते हो कि मैं क्या खाती हूँ, वो तो फॉल्स नहीं है, वो तो मैं रियली खाती हूँ। पर जो चीजें कि आप खाओ पर इतना सा बहुत ही कम अमाउंट का, अगर ज्यादा हम खाना खा लेते हैं ना तो जाके मुझे प्रॉब्लम होता है। जब मैं ज्यादा खाना खा लेती हूँ, चाहे वो दाल चावल हो या चिकन मलाई मार के वो सारी चीजें खाओ, जब ज्यादा खाना खाती हूँ तो यहाँ से नहीं जाता, ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, पेट इतना बड़ा हो जाता है मेरा और इतना तकलीफ होता है पेट के अंदर कि मैं क्या बोलूं। इसलिए थोड़ा थोड़ा खाना खाओ, जो भी आप खाओ, प्लेन सिंपल या स्पाइसी कोई भी मैं खाना खाऊं, मैं उसे आराम से डाइजेस्ट कर लेती हूं, कोई तकलीफ नहीं होती। पर अगर अमाउंट मैं सही रखूं तो, इसलिए मैं अमाउंट ज़्यादा नहीं करती। उसके बाद ऐसा अगर तकलीफ होता है ना तो उसके 3-4 घंटे बाद अगर ऐसे ही कंटिन्यू करता रहे तो उसके बाद लास्ट ऑप्शन है वॉमिटिंग, वो हो जाता है मेरा। तो इसलिए आज 2-2.5 साल बाद मैं आपको इतना बोल सकती हूँ गॉलस्टोन ऑपरेशन का इफेक्ट क्या है। इफेक्ट ये ही है कि आप खा सकते हो, जरूर खा सकते हो, लाइफ को एंजॉय कर सकते हो फूड के जरिए, पर बहुत ही कम अमाउंट का। ज्यादा खाओगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। आज लेमन नहीं था एक्चुअली, लेमन टी पी के सारा लेमन खत्म कर दिया, आज सिर्फ हाजमोला के साथ मैं पी रही हूँ। फिर भी वो अच्छा बना, बहुत अच्छा लग रहा। अभी जाऊंगी आर्यन को लेने, और ब्लैक ड्रेस तो आजकल मैं पहन ही नहीं पाती। मालो का इतना फार अभी मतलब रिमूव हो रहा है ना, वो सारे फार, और उसका जो रंग है उस हिसाब से बिल्कुल ब्लैक में आ जाता है। बस जो भी पहनो इतना और दिखता है, और क्या बोलूँ। ब्लैक, वैसे ब्लू और ब्लैक मेरा फेवरेट कलर था। ब्लू तो चलो तब भी ठीक है, पर ब्लैक में अगर थोड़ा सा भी कोई कलर आ जाए ना तो बहुत गंदा लगता है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो अभी चलिए चलते हैं, आर्यन को लेके आते हैं और उसके बाद आर्यन के पीछे भागम भाग करते हैं। मुझे पुदीना की जरूरत थी तो नूनू में आ गई, तो पुदीना लेके अभी जाऊंगी। तो अभी अलार्म बज रहा है। एक्चुअली मैं टीवी देख रही होती हूँ या कुछ भी करती हूँ ना तो थोड़ा सा भूल ही जाती हूँ, क्योंकि ये तो मेरा रेगुलर का काम नहीं है, भूल जाती हूँ। तो इसलिए आर्यन अलार्म लगा के देते हैं। तो आर्यन गया है नहाने, प्रैक्टिस के बाद वो एक बार नहा लेता है, क्योंकि इतना धूल मिट्टी में इतना टाइम तक रहना, रात को नींद कैसे आएगी। तो इसलिए वो एवरीडे इस टाइम में और एक बार नहा लेता है, और मैं इसके लिए एक रेडी कर दूँ। आज आर्यन को जरा मॉकटेल स्टाइल में टैंक बना के दूंगी। तो ये जो मिक्सर है इसमें मुझे डालनी है आइस, देन पुदीना लीव्स, टैंग, पानी, वो हो गया रेडी हमारा टैंक। वाओ, क्वांटिटी भी इतना दिया, एकदम ग्लास के बराबर। पता है ये क्या है? ये बिरयानी है, ये तो सबको पता है, पर ये कहाँ का बिरयानी है पता है? ये कोलकाता का आमिनिया का बिरयानी है। आज सुबह मिथुन आ चुके हैं। तो चलिए सुबह का टाइम है तो अभी चाय पी लेते हैं, और बहुत दिनों बाद अभी मिथुन के साथ चाय पीऊंगी। मिथुन भी रेडी हो चुके हैं। आज
8:30 बजे शायद तुम घर पहुंचे। हाँ। और वहाँ पे लैंड कब किए थे? वहाँ पे लैंड किए 6:50। ओके। उसके बाद जाके लगेज वगैरह कलेक्ट करना, फिर कैब पकड़ के आना। तो चलिए चाय पी लेते हैं। और कोलकाता से, हाँ कोलकाता से वो बिरयानी तो आपको दिखाई, और उसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं जो कि ये रेगुलर का है। अरे ताजमहल टी का टी बैग भी मिल गया। तो बाय द वे इसमें जो स्वीट है वो है खीर कदम, और खीर कदम मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, कोलकाता का ये खीर कदम। और ये है निमकी, निमकी बोलते हैं इसे हम। तो ये है कोचू बाटा, कोचू बस ऐसे पेस्ट बना के दिया है मासी ने, बोला है कि घर जाके इसे ऑयल में फ्राई कर लेना, अदरवाइज या से अगर फ्राई करके दूंगी ना तो ऑयल थोड़ा सा ज्यादा इसमें लगता है तो चारों तरफ फैल जाएगा, कपड़े वपड़े में लग जाएगा, तो इसलिए ये है कोचू बाटा। ये मैं बाद में वो कर लूंगी, बाकी का प्रोसेस कर लूंगी। और ये है फिश मतलब माछे डिमेर पातुड़ी, यानी कि फिश एक का केक बनता है इस तरह से, देखो ढोकला की तरह भी दिखता है, कुछ केक की तरह दिखता है, ये ऐसे ही होता है। ये बिल्कुल बना हुआ है, एकदम तैयार है, बस गर्म करना है और खाना है। तो पहले जो सारी चीज आपने देखा जो ड्राई है और स्वीट्स वगैरह, तो वो मेरे मौसा जी ने मुझे भेजा है मेरे लिए, और ये मासी ने भेजा है। जब कोलकाता जाते हैं तो ये एक्चुअली मेरे लिए नहीं, ये मिथुन के लिए है। कोचू बाटा मेरे लिए होता है, स्वीट तुम्हारे लिए होता है। वही तो होता है, स्वीट में से मैं तो और कुछ नहीं खाती, मैं मुझे बस ये वाला बहुत पसंद है, ये खीर कदम। हाँ फिश पतरी भी अच्छा लगता है, पर वो तो तुम भी खाते हो ना, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगता है वो। तो चलिए अभी एक साथ मिलके थोड़ा चाय पी लेते हैं, थोड़ा सा मॉर्निंग को एंजॉय कर लेते हैं, और आपके साथ भी सारी चीजें एंजॉय। तो ओ अच्छा, आप भी एंजॉय कर रहे हो बिस्किट? ये भी एंजॉय कर रहा है बिस्किट। अच्छा, बस एंजॉय और एंजॉय करना है लाइफ में, सही बात है कि लाइफ तो एक है, तो एंजॉय के बिना और करना ही क्या है। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, तभी के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।